पहला पार्ट होता है, लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट यानी कि सीकम। सीकम में अगर देखा जाए तो सबसे खास बात ये होती है, अपने ह्यूमंस के अंदर ही क्या होता है बच्चे, रिड्यूस्ड होता है। ये क्या होता है? रिड्यूस्ड इन ह्यूमंस, ये जरूर याद रखना। ह्यूमंस में इसका कोई काम नहीं होता, रिड्यूस होता है। यहीं पे हमने शुरू में ही बता दिया था, यहीं पे आपका होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, इसी को कहने लग जाते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स। ठीक है, तो यहाँ पे रिड्यूस जाता है ह्यूमन के केस में, पर फंक्शनल होता है, फंक्शनल होता है इन कैटल्स में। कैटल्स में क्या होता है? फंक्शनल होता है। ठीक है, किसका डाइजेशन होता है? सेलुलोज का डाइजेशन होता है। सेलुलोज डाइजेशन टेक्स प्लेस, सेलुलोज डाइजेशन टेक्स प्लेस। अच्छा ये बताओ, अब ये कौन सी नई कहानी आ गई? सेलुलोज का डाइजेशन होता है कैटल्स में, ह्यूमंस में रिड्यूस होगा, तो ह्यूमन के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होगा। सही बात है, ह्यूमंस के अंदर सेलुलोज का डाइजेशन नहीं होगा, तो ह्यूमन के अंदर सेलुलोज होगा क्या वो भी देखते हैं। किस एंजाइम की वजह से होता है सेलुलोज का डाइजेशन? तो हम बोलेंगे क्या, सेलुलेज नामे है, लास्ट में एज लगा दो, एंजाइम बन गया, सबसे आसान बात होती। तो जो आपका सेलुलोज होता है बच्चे, ठीक है, ये देखो उसका डाइजेशन होता कैसे। सेलुलोज पहले बदलता है किसमें? सेलोबायोज में। अब देखो ये जो आपका एंजाइम रहा होगा कौन सा रहा होगा? सेलुलेज रहा होगा। सेलोबायोट्स जो एक क्या है? डाइसैकेराइड है बच्चे, डाइसैकेराइड्स है। और डाइसैकेराइड्स फाइनली किसमें? ग्लूकोज यानी कि मोनोसैकेराइड्स में बदल जाता है। कहाँ पे? यही सीकम रीजन में। ये कहानी चल किसके पास रही है? कैटल्स के पास। ह्यूमन के केस में ऐसी कोई कहानी नहीं चल रही है। सेलुलेज जो होता है ये एक तरह का बैक्टीरियल सेक्रीशन होता है, ये जरूर याद रखना, बैक्टीरियल सेक्रीशन है बच्चे। और बैक्टीरियल सेक्रीशन कहाँ पे हुआ? ल्यूमेन ऑफ सीकम में हुआ। लो पूछो जितना क्वेश्चन पूछना है, कहाँ से पूछेगा? सेलुलेज कहाँ पे आया? ल्यूमेन में आया। किसके ल्यूमेन में? सीकम के रीजन में। कौन सिक्रीट किया? बैक्टीरिया ने सिक्रीट किया। किस में? कैटल्स में। ह्यूमंस के अंदर? नो, ह्यूमंस के अंदर ये कोई भी डाइजेशन इसका नहीं होता है। अच्छा तो होता क्या है? सेलुलोज जो होता है, ये नोट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना, सेलुलोज इज नॉट डाइजेस्टेड, डाइजेस्टेड इन ह्यूमंस व्हाइल कन्वर्टेड, कन्वर्टेड जिसको दिख नहीं रहा हो बच्चे वो सुन सुन के अच्छे से लिख लें, व्हाइट कन्वर्टेड इनटू स्मॉल फाइन फाइबर्स कॉल्ड। ये भी जो लिखने जा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन पूछा है रफेज से, ठीक है ना, रफेज से। स्पेलिंग फिर से बोल दे रहा हूं, क्लियर लिख दे रहा हूं, RUGHAGE, रफेज लिखते हैं, RUGHAGE, और पढ़ते हैं रफेज। ठीक है, ये स्मॉल फाइन फाइबर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं, हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ फूड, डाइजेशन ऑफ फूड यानी कि मूवमेंट में, फूड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं रफेज। इसीलिए कहते हैं फूड ऐसा खाना चाहिए, खाना ऐसा खाना चाहिए जिसमें फाइबर का अमाउंट ज्यादा हो। ठीक है, फाइबरस फूड हमारे डाइजेशन को बहुत ही ज्यादा मेंटेन करके रखते हैं, करेक्ट है। ये हो गया सीकम की कहानी। कोलन की बात कर लें, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। कोलन जो होता है, हमने बता दिया था कि जो आपका फीकस, फीकल मैटर बनता है, जो फीसेस बनते हैं वो कहाँ पे बनेगा? कोलन में ही बनेगा। अच्छा एक सबसे इंपॉर्टेंट कहानी बताई थी शुरू में, जब हम इसका आउट डायग्राम बना रहे थे तो वहां पे हमने बताया था जो आपका कोलन होता है, जो आपका कोलन होता है इसी को सेकेंड किडनी ऑफ बॉडी कहा जाता है। हाँ कहा जाता है, क्यों? क्योंकि ये मैक्सिमम रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करता है आफ्टर आफ्टर किडनी। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा कहता है इसी को हम सेकेंड किडनी ऑफ और बॉडी भी कहते हैं, सेकेंड किडनी ऑफ और बॉडी भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट कह रहे हैं रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट करेगा, रिमूवल ऑफ हैवी
मेटल्स में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लाइक लिख सकते हैं लेड हो गया, मैग्नीशियम हो गया एक्सेट्रा। ठीक है, ये सारे पॉइंट आपको याद रखना है। रिमूवल ऑफ हैवी मेटल्स में काम करता है कोलन। और चौथा जो होता है ये सबसे इम्पोर्टेंट, इसका फंक्शन यानी कि फीकल मटेरियल, जो आपका अनडाइजेस्टेड फूड होता है बच्चे, अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है, फूड के ऊपर एक्शन होगा यहाँ पे, और ये बदल जाएगा किसमें, फीसेस में। किसमें बदल जाएगा, फीसेस में। अब देखो किसका एक्शन हुआ, फ्लोरा का हुआ और फौना का हुआ। फ्लोरा क्या है, एक तरह का बैक्टीरियल सेक्रीशन हो है, एक तरह से कैसा है, बैक्टीरियल सेक्रीशन है। ये हर एक लाइन जो है, हर एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कहीं से भी क्वेश्चन है लोग उठा सकते हैं। फौना क्या है, स्मॉल प्रोटोजोन्स है, स्मॉल सेक्रीशन नहीं भाई, बैक्टीरियल ही जो है तो फ्लोरा कहलाएगी। फौना जो होते हैं स्मॉल प्रोटोजोन्स, स्मॉल प्रोटोजोन्स जो होते हैं उनको हम फौना कहते हैं। किसमें बदल गए, फीसेस में बदल गए। अब देखो ये तो पहला पॉइंट होगा। सेकेंड और क्या फ्लोरा एंड फौना कर रहा है यहाँ पे, जो आपके पास बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन था, करेक्ट, बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन कहाँ पाया जाता था, कोई याद है, नहीं पता। बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन ये था कंटेंट बाइल जूस का, बाइल पिगमेंट के फॉर्म में। बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन के ऊपर भी सेम एक्शन होगा फ्लोरा एंड फाना का, फ्लोरा एंड फाना का, फ्लोरा एंड फाना इनके ऊपर जैसे ही एक्शन करेंगे इसको तुरंत बदल देंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टर को, बायलिनो जिन में, और स्टर को बायलिन में, स्टर को बायलिन में। स्टर को बायलिन क्या होता है, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं, रिस्पॉन्सिबल क्योंकि ये पिगमेंट है तो रिस्पॉन्सिबल फॉर द कलर ऑफ फीसेस, कलर ऑफ फीसेस, फीसेस के कलर के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, स्टर को बायलिनोजेन और स्टर को बायलिन, स्टर को बायलिनोजेन और स्टर को बायलिन, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। तीसरा एक और सिक्रीशन होता है, लिख दे रहा हूँ, हाँ यहीं पे लिख दे रहा हूँ। तीसरा जो होता है, जो आपका ट्रिप्टोफैन होता है, ट्रिप्टोफैन एक अमाइनो एसिड है, इसको बदला जाता है इसके टॉल में, इसके टॉल में बदलने वाला कौन है, यही फ्लोरा एंड फाना है, यही फ्लोरा एंड फाना ने क्या कर दिया, इसके टॉल में बदल दिया ट्रिप्टोफैन को, और ये रिस्पॉन्सिबल हो जाता है ऑर्डर ऑफ फीसेस। ऑर्डर ऑफ फीसेस मतलब इसकी स्मेल जो होती है वो किसकी वजह से होती है, इसके टॉल की वजह से होती है। ये सारी कहानी कहाँ पे होगी बच्चे, कोलन में। क्या क्या हुआ, मैक्सिमम रिजॉर्प्शन ऑफ वाटर हो गया किडनी के बाद, इसी को सेकेंड किडनी ऑफ बॉडी कह दिए, हैवी मेटल्स का रिमूवल करा दिया, फीकल मैटर का फॉर्मेशन कहाँ पे हुआ, कोलन में, किसकी वजह से हुआ, आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ, आफ्टर डीकम्पोजिशन ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड क्या बन गया, फीसेस बन गया, किसके एक्शन के थ्रू, फ्लोरा एंड फौना के। फ्लोरा कहता है बैक्टीरियल और फौना क्या है, स्मॉल प्रोटोजोअन्स होते हैं, जिन्होंने इसको अनडाइजेस्टेड फूड को किसमें बदल लिया, फीसेस में, यहीं पे नहीं रुक गए। और कहानी उन्होंने की बिलिरुबिन और बिलीबर्डिन को बदला स्टर को बायलिनोजेन और स्टर को बायलिन में, जो कि रिस्पॉन्सिबल होते थे कलर ऑफ फिशेस के लिए। ट्रिप्टोफैन अमाइनो एसिड को तोड़ दिया फ्लोरा एंड फौना ने मिलकर इसके टॉल में, जो कि उसके ऑर्डर यानी कि स्मेल के लिए रिस्पॉन्सिबल होते थे। तीसरा और लास्ट पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन जो कि रेक्टम होता है, रेक्टम की कहानी क्या होती है बच्चे, रेक्टम क्या करता है, थोड़ी देर के लिए इस फीकल मटेरियल को अपने पास स्टोर करता है और डिफिकेशन के थ्रू इसको क्या कर देता है, रिलीज करा देता है रेक्टम। रेक्टम ने क्या किया, स्टोर स्टोर फीसेस शॉर्ट वाइल एंड देन रिलीज आउट इट थ्रू अ प्रोसेस, थ्रू एनस, एक्चुअली थ्रू एनस, एंड द प्रोसेस इज नोन एज वॉट, डिफिकेशन। ये जरूर याद रखना, प्रोसेस क्या कहलाया, डिफिकेशन। यहीं पे हो जाती है कहानी खत्म, डिफिकेशन, डिफिकेशन हो गया। तीसरा पॉइंट इसी में, और अगर पूछा जाए, कई बार पूछता है
वॉलंटरी प्रोसेस होता है या इनवॉलंटरी प्रोसेस होता है? हाँ, तो थोड़ा सा वॉलंटरी होता है, कुछ दूर तक इसको हम संभाल सकते हैं, आपको सबको पता है, पर एक टाइम के बाद ये इनवॉलंटरी हो जाता है, हम कभी भी इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। वॉलंटरी प्रोसेस होता है मास पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट की वजह से होता है, मास पेरिस्टेलिसिस मूवमेंट की वजह से ये होता है, ये जरूर याद रखना, ड्यू टू मास पेरिस्टेलिटिस मूवमेंट। इतने ज्यादा मूवमेंट हो जाती है वहां पे, इतना ज्यादा फूड स्टोर होने लगता है कि हम फीसेस को अपने पास स्टोर नहीं कर सकते, उसको बाहर निकालना ही पड़ता है। और ये जो कहानी होती है ये सुबह की बहुत ही प्यारी कहानी होती है, सुबह सबको यहाँ पे डिफिकेशन प्रोसेस करना होता है, अच्छी बात है, करना चाहिए। तो ओवरऑल अब फूड का हो गया डाइजेशन खत्म, उसको हमने फूड को ही जो हमने लिया था सबका सब क्या कर दिया, बाहर कर दिया। लेकिन इतना टाइम लगा इसको बाहर करने में, हालांकि इसे प्रैक्टिकली ऐसा लगता नहीं है, हम लोगों को समझने में इतना टाइम लग गया, सारे की सारे रिएक्शंस आपको याद करके चलनी है, कहाँ पे किसका डाइजेशन हुआ, कौन किस फॉर्म में, कौन एंजाइम किसको कहाँ बदल रहा है, हर एक पॉइंट आपको क्लियर होना चाहिए डाइजेशन। देखो बहुत लोगों को डाइजेशन में हमेशा कंफ्यूजन मेंटेन रहती है, क्यों? क्योंकि इतने स्टेप में ब्रेक होता रहता है कि रिएक्शन भी है, थ्योरी भी है, जस्ट लाइक केमिस्ट्री चल रही होती है, ठीक है। तो बायो इज एक्चुअली केमिस्ट्री का ही भाई बहन कह सकते हो, विदाउट केमिस्ट्री बायो इज नॉट पॉसिबल, एंड विदाउट ना केमिस्ट्री तो पॉसिबल है बायोलॉजी के बिना, पर बायो को केमिस्ट्री की जरूरत पड़ती रहेगी। तो आपको याद करने का एक नया तरीका अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। और जो हमने अभी रिएक्शन आपको लिखाई थी, वो रिएक्शन अगर एक जगह आप लिख लोगे तो आपको एकदम तैयार हो जाएगा कि हाँ कौन किस में बदल रहा है, तो आपको बहुत ज्यादा रिएक्शन याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक साथ मैंने मैकेनिज्म आपको लिख दिया था, अलग अलग पढ़ के एक जगह आपको स्टोर हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल आपका डाइजेशन कंप्लीट। अब आपका ऐसा टॉपिक बच रहा है एब्जॉर्प्शन, करेक्ट, एब्जॉर्प्शन नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो एब्जॉर्प्शन पे बनेगी। थोड़ा सा गाल ब्लैडर, गाल स्टोन जिसको कहते हैं, गाल स्टोन पे उसको भी बता देंगे उसी में। और क्या बच रहा है, हाँ इसके बाद आपको फिर हम लोग आ जाएंगे, अभी हम टंग का स्ट्रक्चर छोड़ के रखे हैं, आपको टीथ छोड़ के रखे हैं, टीथ और टंग यहीं पे पढ़ा देंगे, ठीक है। और ग्लैंड्स जो छोटी हुई हैं सब यहीं पे कंप्लीट करा के, और लीवर के बारे में पढ़ा के चैप्टर पूरी तरह से हो जाएगा क्लोज, ठीक है। तो जिनको भी कोई डाउट है वो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल के डाउट जरूर पूछ सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहिए अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको बेनिफिट मिलता रहेगा। वीडियो देख के आप एक बार क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब आपको लगेगा कि नहीं वीडियो में कंटेंट है, करेक्ट। और जो भी आपको और ज्यादा जरूरत पड़ रही है वो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कराएं, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ें। यहाँ आपको कोई फीस नहीं ली जा रही है, वीडियो फ्री में आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। आप अनावरण क्लासेस की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कंटिन्यू बने रहिए, जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस यहाँ पे आपके सिलेबस से रिलेटेड मिलती रहेंगी। थैंक यू।